फोकस में हूँ आपके साथ स्वाति ठाकुर। और आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सूर्य ग्रहण को लेकर कई सारी मान्यताएं हिंदू धर्म में सामने आती हैं और कई सारी साइंटिफिक थ्योरीज भी सूर्य ग्रहण को लेकर सामने आती हैं। लेकिन फिर से बताना चाहेंगे कि आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। भारत के कई सारे राज्यों में सूर्य ग्रहण साफ साफ भी देखा जाएगा। कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कुछ पलों के लिए सूर्य ग्रहण देखा जाएगा और कई ऐसे भी हैं जहाँ पर बिल्कुल सूर्य ग्रहण नहीं देखेगा। बताएंगे आपको कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि सूर्य ग्रहण को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म की माने तो हिंदू धर्म में इसे शुभ नहीं माना जाता है। जैसे कि गोवर्धन पूजा आज थी, लेकिन सूर्य ग्रहण के चलते गोवर्धन पूजा 25 की बजाय 26 को की जाएगी। और भाई दूज जो है वो 26 को होती थी, लेकिन अब जो है भाई दूज वो 27 को की जाएगी। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान हिंदू धर्म में पूजा पाठ नहीं की जाती है। वहीं साइंटिफिक अगर हम थ्योरी की बात करें तो साइंटिफिक थ्योरी के अनुसार सूर्य के आगे जब चंद्रमा आ जाता है और सूर्य की रोशनी जो है वो धरती तक जब नहीं पहुंच पाती है तो उस वक्त जो है सूर्य ग्रहण लग पड़ता है। आप इस वक्त जो हमारे पीछे सूर्य देख रहे हैं, यहाँ पर अभी ग्रहण नहीं लगा है। और कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सूर्य ग्रहण 4 बजे से लगना शुरू होगा। हम आपको उन राज्यों के नाम बताएं कि कहाँ कहाँ जो सूर्य है वो सही से देखा जाएगा। तो दिल्ली, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सूर्य जो है वो साफ साफ सूर्य ग्रहण देखा जाएगा। ये वो वाली जगहें हैं। अब आपको वो वाली जगहें बताते हैं जहाँ पर कुछ पलों के लिए सूर्य ग्रहण दिखेगा। तो तमिलनाडु, कर्नाटक, मुंबई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और बिहार, ये ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर कुछ समय के लिए सूर्य ग्रहण देखा जाएगा। और अब बात करते हैं उन जगहों पर जहाँ पर सूर्य ग्रहण बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, वो है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। यहाँ पर सूर्य ग्रहण बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। अब थोड़ी सी अगर बात कर ले हिंदू धर्म में क्या क्या मान्यताएं हैं सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई, तो शास्त्रों में कहा जाता है कि ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है, पहली बात, और इसलिए ग्रहण के दौरान कोई भी पूजा पाठ नहीं की जाती है। लेकिन ग्रहण के प्रकोप से बचने के लिए मंत्रों का उच्चारण जरूर किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि ग्रहण में कई सारी ऐसी राशियां होती हैं जिन पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव ज्यादा होता है। साथ ही साथ देवी देवताओं की पूजा करना इसमें वर्जित माना जाता है। ग्रहण से पहले और ग्रहण के दौरान सभी मंदिरों के दरवाजे भी हिंदू धर्म में बंद कर दिए जाते हैं, ये भी शास्त्रों में कहा गया है। और ग्रहण की समाप्ति के बाद घर और पूजा स्थल को गंगा जल का छिड़काव करके उसे पूरा फिर से स्वच्छ किया जाता है। ये भी शास्त्रों के अनुसार ये भी मान्यताएँ हिंदू धर्म में मानी जाती हैं। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं पर कहते हैं कि इसका ज़्यादा प्रभाव रहता है, इसलिए गर्भवती महिलाएँ जो हैं उन्हें इस दौरान ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और उन्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यह भी कहा जाता है जब सूर्य ग्रहण लगता है उस दौरान यह बात भी सामने कही जाती है कि उन्हें सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसका प्रकोप अच्छा नहीं होता है गर्भवती महिलाओं पर। पूजा पाठ करना वर्जित है जैसे हमने आपको बताया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं इस दौरान विशेष इसका ध्यान रखें कि उन्हें सूर्य ग्रहण नहीं देखना है। 4 बजे के बाद भारत में सूर्य ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा। कई अलग अलग राज्य जो हमने आपको बताए हैं उन पर सूर्य ग्रहण साफ दिखेगा। दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई ऐसे राज्य हैं जहां पर साफ साफ आप सूर्य ग्रहण देख पाएंगे। लेकिन अभी एक बार फिर से मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी ऊपर दिखाएं कि अभी सूर्य ग्रहण नहीं लगा हुआ है। सूर्य ग्रहण 4 बजे के बाद लगना शुरू होगा और अभी कुछ ही पलों में इस सूर्य पर आपको ग्रहण दिखना भी शुरू हो जाएगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।